देखिए, आज हम लोग जानेंगे किसी भी संख्या का विभाजित करने के लिए कोई संख्या संघ को कैसे पता चल जाए कटेगा या नहीं कटेगा, विभाज्य होगा या नहीं होगा। मतलब कुल मिला कहने का मतलब है कि विभाज्यता का नियम जिसको बोलते हैं उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले विभाज्यता का नियम शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि अंक कितने होते हैं। तो अंक जीरो से लेकर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, बस अंक यही दस वो अंक होते हैं, दस। इसी अंक से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। जैसे अगर हम यहाँ लिख रहे हैं 245 245, इसमें कितने अंक है? एक दो तीन अंक। क्लियर? ये तो रही अंक की बात। अब समझते हैं किसी भी संख्या में दो से अगर भाग देना हो तो हमको देख कर कैसे पता चलेगा कि यह संख्या दो से विभाज्य है कि नहीं। तो याद रखिएगा, यदि किसी संख्या के अंत में जीरो, यदि किसी संख्या के अंत में जीरो दो चार छ और आठ हो तो वह संख्या दो से डेफिनेटली कट जाएगी, मतलब विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 340, इसमें दो से भाग देंगे तो सही समय देख कर पता चल जाएगा कि यहाँ इकाइयां जीरो है, मतलब यह दो से कट जाए। क्लियर है? अब जैसे देखिए, जैसे बहुत बड़ा अंक लिखा 4 8 6 7 9 2 3 4, अब यहाँ लास्ट में देखें कि यहाँ इकाई अंक 4 है, मतलब यह दो से विभाज्य हो जाएगी और यह सम संख्या भी है। क्लियर? अब जैसे देखिए, सबसे पहले इसको नोट डाउन करना है, जैसे आप नोट डाउन कर सकते हैं दो से विभाजिता के नियम, विभाजिता के नियम, दो से विभाजिता के नियम। यहां लिख सकते हैं आप, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक? इकाई अंक, इकाई अंक जीरो दो चार छ और आठ हो तो वह पूरी संख्या दो से विभाज्य हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। क्लियर? एग्जाम्पल में 414 लिख सकते हैं आप, 576 लिख सकते हैं, कितना ही बड़ा अंक लिख सकते हैं, कितना ही बड़ा संख्या लिख सकते हैं, 8 7 3 4 6 आदि। ये सब सभी अंक क्या होंगे? दो से विभाज्य हैं, क्योंकि इसके इकाई अंक जो है 4 है 6 है 6 है, मतलब कोई भी इतना 5 अंक 0 2 4 6 8। अगर किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 हो तो वह संख्या दो से पूरा कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। क्लियर है? ये तो रहा दो से विभाज्यता के नियम। अब चलते हैं तीन से विभाज्यता के नियम किस तरह हम लोग देखेंगे। तो देखिए, तीन से विभाज्यता के नियम बहुत सा आसान सा है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग तीन से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी तीन से विभाज्य हो जाए। क्लियर? उसी तरह यहां लिख लीजिए, तीन से विभाजिता के नियम, तीन से विभाजिता के नियम, तीन से विभाजिता के नियम लिखिएगा। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, अंकों का योग तीन से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी तीन से विभाज्य हो जाएगी।
तीन से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर? एग्जाम्पल में देखिए, जस्ट एग्जाम्पल में आप देखिए, एग्जाम्पल में जैसे यहां लिखा हुआ है 2, 4, 6। देखिए यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं इसको पता करना है। देखिए अब इसमें कितना अंक है, 1, 2, 3 अंक है। और क्या लिखा है, यदि किसी संख्या की, यह एक संख्या है 246, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का, इसमें कितना 3 अंक है, इन तीनों का प्लस करना है, अंकों का योग योग करना है, 4, 2, 6, 12 तीन से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब 3, 12 जो है यह 3 से पूरा पूरा 4 बार में कट जा रहा है, मतलब यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। करके देख सकते हैं आप, 2, 4, 6 लिखा हुआ है, इसमें 3 से आप भाग देकर देखिए, 3, 8, 24 कट गया और 6 उतरा 3, 2, 6 देखिए पूरा का पूरा संख्या कट गया। क्लियर है? देखिए ध्यान पूर्वक देखिए, अब ये हो गया 3 का। और एग्जांपल आप लिख सकते हैं कोई भी अंक, 8, 7, 6, 5, 4 इसको जोड़ कर देखिए, इस सभी अंकों को आपस में जोड़ कर देखिए, यदि 3 से कट जाए तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। संख्या आपके सामने 87,654, इसमें 3 से भाग देना है, देखना है 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 5, 26, 26, 4, 30 आ जा रहा है और 30 कट जा रहा है, 3, 2, 30। क्लियर है? तो इस संख्या में आप 3 से भाग देकर देखिए कट जाएगा, 3 से भाग दीजिए, 3 से 3, 2, 6 8 में 6 गया 2, 7, 3, 9, 27। क्लियर है? कट गया 6 उतरा 3, 2, 6 ये भी कट गया, फिर 5 आया 3, 1, 3 2 आया, फिर 4 आया 3, 8, 24। देखिए पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, इसलिए इतना करने से बेहतर है कि हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सभी अंकों का योग करके देखेंगे वह 3 के टेबल में आ जा रहा है, तो समझिए वह संख्या 3 से विभाज हो जा रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं 4 की विभाजकता के नियम की तरफ। अब 4 के विभाजकता के नियम के बारे में समझते हैं। 4 के विभाजकता के नियम, इसका होता है यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, ठीक है, अर्थात इकाई और दहाई अंक, यदि 4 के टेबल में पूरा पूरा आ जा रहा है, कट जा रहा है, 4 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बच रहा है, तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाए। क्लियर? अब देखिए जैसे लिख लीजिए इसको, यदि यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक चार से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? देखिए एग्जांपल समझते हैं। देखिए जैसे 424 ले रहा है, ठीक है,
24 37 के अंतिम दो अंक, एक अंक दो अंक, अब 24 चार के टेबल में आ रहा है, इसलिए पूरी पूरी संख्या भी चार से कट जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 5 7 6 2 4 6 3, इतना बड़ा संख्या लेते हैं, इकाई दहाई 11 10 10 लाख 10 लाख करोड़ है, इतना बड़ा संख्या लेते हैं, इसमें भी हम चार से भाग देंगे, सोचेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखिए अंतिम दो अंक क्या है, 32 जो 4 के टेबल में 8 बार में आ जा रहा है, क्लियर, 4 8 32, तो यह पूरी की पूरी संख्या चार से कट जाए, क्लियर है, यह हुई चार से विभाजकता का नियम। अब पांच से विभाजकता का नियम देखते हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, सिर्फ दो अंक के बारे में सोचना है पांच के विभाजकता के लिए, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 और 5, सिर्फ दो ही 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाए, क्लियर, जैसे लिख लीजिए, यदि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, एग्जाम्पल में 525 550, क्लियर, देखिए इसके अंतिम अंक 5 है और इसके अंतिम अंक 0 है, क्लियर, तो यह 5 से कट जाएगी, चाहे कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो वो सबके सब 5 से कट जाएगी यदि उसके अंतिम अंक 5 और 0, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं 6 के विभाजकता के नियम, 6 से विभाजकता के नियम, छह से विभाजकता के नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट जा रही है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, क्लियर। अब देखिए यहाँ कोई बात लिख लीजिए, यदि कोई संख्या दो और तीन दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगी, क्लियर, कर एग्जांपल में समझते हैं, जैसे 216 दिया है, इस पे हम दोनों नियम लागू करेंगे 2 और 3 दोनों का, फिर से रिकॉल करते हैं, 2 का नियम आप लोगों को बता चुके हैं, यदि किसी संख्या के अंदर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो और 8 हो, यही 5 अंक, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंत में हो तो वह 2 से कट जाएगी, यहाँ पे देखिए 6 है तो यह 2 से कट जाएगी। अब 3 के विभाजकता के नियम लागू करके देखते हैं, इस संख्या में जैसे 2 और +1 और +6 करते हैं, 2 1 3 और 3 6 9 हो जा रहा है, जो 3 से कट जा रहा है, और 6 के नियम का विभाजकता का नियम यह कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे यह संख्या 2 से विभाजित हो जा रही है और 3 से विभाजित हो रही है, अर्थात यह संख्या 6 से विभाजित हो जा रही है, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जांपल में 216, क्लियर। और कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 8 6, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए यह 2 से तो कट जाएगी क्योंकि अंतिम अंक 6 है, 6 को कटाएगा तो 2 से कट जाएगी, लेकिन 3 से देखिए 8 10 और 6 16 है, ठीक है, 16 3 के टेबल में आता है, नहीं तो
तो यह 3 से नहीं कटेगा, सिर्फ 2 से कट रहा है, अर्थात यह 6 से भी विभाजित नहीं होगी। आप लोग भाग कर कर देख सकते हैं, देखिए जैसे 2 8 6 है, यहाँ भाग दीजिएगा 6 से तो नहीं कटेगी, 6 चौके 24 ठीक है, कितना हो जाएगा 8 4 2 26 और 6 चौका 24 सॉरी 8 में 4 जाएगा 4 46 और 6 7 42 तो 7, देखिए 2 शेष आ जा रहा है, आपको शेष 2 आ जा रहा है, मतलब यह 6 से नहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 से जब विभाजक ने लागू किए हैं तो नहीं कट रहा है, तो यह 6 से भी नहीं कट रहा है। क्लियर है आप लोगों को? देखिए तो ये रहा आपका 6 से विभाजकता के नियम, ठीक है। अब देखते हैं 8 से विभाजकता के नियम, बताए हुए थे कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जा रही तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? उसी तरह 8 के विभाजकता का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? चलो अब देख लीजिए इसको, यदि यदि किसी संख्या के संख्या के अंतिम 3 अंक यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी क्लियर? यानी कि एग्जाम्पल में आप लोग देखिएगा, जैसे बहुत बड़ा संख्या 8 7 6 5 4 5 1 2 ठीक है, इतना बड़ा संख्या लिस्ट को देख कर बताना है कि 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं, तो सिर्फ इसको अंतिम 3 अंक लेंगे 1 2 3 अर्थात क्या हो गया 512, इसमें भाग देकर देखेंगे 8 से कट रहा है कि नहीं, तो 8 6 48 48 और 3 51 2 8 चौके 32 क्लियर है, एक कट जा रही है, मतलब पूरी की पूरी संख्या 8 से क्लियर है, आप लोग भाग देकर देख सकते हैं 8 7 6 5 4 5 1 2 है, इसमें आप 8 से जब भाग दीजिएगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा, कोई शेष फल नहीं बचेगा, ठीक है। और पढ़ते 9 के विभाजकता के नियम, देखिए क्या होता है 9 के विभाजकता के नियम, देख 9 के विभाजकता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग नौ से विभाजित हो जा रही है
विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या भी कभी 9 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर? 9 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर से आपको समझ लीजिए। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? चलो अब देखिए एग्जाम्पल में समझिए। जैसे लिखा हुआ है 8765। क्लियर है? इसको योग करके देखेंगे यह संख्या 9 से विभाजित हो रही है कि नहीं, करके देखिए। 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26। 26 9 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो यह संख्या नहीं विभाजित होगी 9 से। लेकिन अगर यहाँ पे 1 रहता, क्या रहता? 1। अगर संख्या रहती 8, 7, 6, 5, 1 और देखिए इसको जब योग करते हम आपस में तो क्या होता? 5, 1, 6, 6, 12, 12, 7, 19, 19 और 8 कितना? 27, जो 9 के टेबल में आता है। मतलब यह संख्या जो होगी क्या, संख्या 8, 7, 6, 5, 1 मतलब 87,651 जो संख्या या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि इसका योग जो होगा वो 27 आएगा और 27 9 के टेबल में आसानी से हमें मिल जाती है। ठीक है, और कट जाती है। देखिए 9 के टेबल 9 9 81 लगाएंगे, यहाँ पे 6 आएगा, 6 9 7 63। क्लियर? 3 5 9 4 36 हो जाता है, नहीं लगेगा। 9 3 27 लगाएंगे, 8 6 9 9 81। देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है। तो क्या समझे लॉ के बेहतर नियम कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब देखते हैं 10 के विभाजक नियम का सवाल है। तो यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो तो वह 10 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसमें कोई जान नहीं है, डायरेक्ट चलते हैं 11 नंबर को। 11 से विभाजक के नियम क्या कहता है उसको? विभाजिता का नियम थोड़ा क्रिटिकल है, ध्यान सुनिएगा। 11 से विभाजिता का नियम, विभाजिता के नियम, ठीक है? देखिए यदि किसी संख्या के एक अंक को छोड़कर अगले अंक के साथ, यदि इस संख्या के एक अंक को छोड़कर अगले अंक के साथ जोड़ने पर यदि उसका अंतर 0 अथवा 11 आए, 0 अथवा 11 आए तो वह संख्या ग्यारह से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखिएगा। जैसे छोटा सा अंक है, आप जानते हैं 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। क्लियर है? इसको एक अंक छोड़ छोड़ के जोड़ना, जैसे एक के साथ दो नहीं जोड़ना, एक जोड़ना। क्लियर है?
एक और प्लस एक ऐड किए तो क्या आया, दो आया, मतलब एक का प्लस एक के ऐड किया कितना आया, दो आया। और इसके दो के बाद एक अंक छोड़ेंगे आपको अंक ही नहीं है, सिर्फ दो ही रह जाएगा, तो क्या होगा दो, और दो और दो का अंतर कितना होता है जीरो, अर्थात देखिए 121 कट जा रहा है कि नहीं, 11 से 11 स्क्वायर करेंगे तो 11 मरते 121 कट जाएगा, जिससे देखिए 1331। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, एक में तीन जोड़े हैं कितना आएगा चार, और फिर थ्री में वन जोड़े, एक अल्टरनेट करके जोड़ रहे हैं, एक के बाद तीन छोड़ रहे हैं, तीन को जोड़ रहे हैं, फिर इस तीन को, फिर उसके बाद इस तीन के बाद इस तीन को छोड़ रहे हैं, एक को जोड़ रहे हैं, तीन और एक चार, और इसमें तीन और एक जोड़ चार, और चार और चार का अंतर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो यह संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। क्लियर है, इसे देखिए एक दो तीन दो एक, यह संख्या कटेगी नहीं 11 से, देखिए कैसे पता चलेगा, एक में तीन जोड़े कितना आ गया, फिर इसके बाद यहाँ पर यानी एक तीन चार, चार एक पाँच आ रहा है, कितना आ रहा है, पाँच आ रहा है। क्लियर है, अब इसको जोड़ेंगे, दो के बाद तीन छोड़ेंगे, दो आया, इसके बाद कोई अंक ही नहीं है, दो और दो से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, चार आ जा रहा है, और चार और पाँच का अंतर कितना आता है, एक आता है, मतलब यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्लियर है, चलिए और कोई संख्या लेते हैं, जैसे लेते हैं 8, 7, 6, 3, 4। ठीक है, अब इसमें देखिए 8 और 6, 14, 14 और 4 कितना हो रहा है, 18, और इसको देखिए 7 और 3 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, 7 और 3 कितना हो रहा है, 10, तो 18 और 10 के अंदर कितना आ रहा है, 8000 जो नहीं कटेगी 11 से। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रख देते हैं, क्लियर है, तो अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 7 और 7, 7 3 10, 10 और 1 11 आ जा रहा है, कितना आ रहा है, 11 आ जा रहा है, 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 11 में से 8 जब घटाएंगे तो 18 में से 11 घटाएंगे कितना मेरा आएगा आंसर, 7, जो 7 में क्या होता है 11, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0 अथवा 11 हो अंतर करने पर, तब जाके वो क्या होगा, 11 से कटेगा, तो यह भी संख्या 11 से नहीं कटेगी। आगे ध्यान से देखिएगा, जैसे इसलिए कोई एक और संख्या सोचिए, 5 है, 6 है, 7 है, 6 है। ठीक है, इसको देखिए यह संख्या 11 से कटेगी नहीं, अल्टरनेट करके जोड़ेंगे, 5 में 7 जोड़े कितना, 7 और 5, 12 आ गया, और 6 में 6 जोड़े कितना आ गया, इसमें 6 और 6 जोड़े कितना आ गया, 12 आ गया, और 12 और 12 का अंतर कितना होता है, 0 होता है, तो यह संख्या डेफिनेटली 11 से कट जाएगी। आप लोग भाग देकर देखिए 5, 6, 7, 6। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, 11 से 11, 14 कितना होता है, 44, 11, 25 लग जाएगा ना, 11, 25, 55। ठीक है, तो 55 एक से साया 17, 11, 51, 11, 7 में से 6, 6, 11, 6, 6। देखिए अब्सोल्युटली कट जा रहा है पूरा पूरा, कोई शेष नहीं आ रहा, तो बहुत ही आसान सा तरीके 11 से विभाजकता के नियम, ये आपका उपयोग में आएगा क्षेत्रमिति में बहुत सारा, जैसे 22 रहता है वहाँ पर, 22/7 जो पाई का मान होता है, तो 22 से काटने के लिए यह नियम बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 11 से जो टेबल 11 के टेबल 22 भी आ रहा है, और कोई संख्या अगर 22 से भाग ना तो पता कर सकते हैं 11 से वो कट रहा है कि नहीं, इसी मेथड के आधार पर। देखिए एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है 8, 7, 6 और 7। ठीक है, देखिए 8 और 6, 14 और 7, 7, 14, देखिए 14 माइनस 14 कर रहा है कितना, 0 आ जा रहा है, अर्थात यह संख्या 11 से कट जाएगी, आप लोग भाग देखा। ठीक है, तो ये रहे आप लोग के विभाजकता के नियम, ध्यान समझिएगा, देखिएगा और फिर खुद संख्या लिखकर प्रयास करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।